जीवन के लिए आप ये भजन सुनने जा रहे हैं। चौरासी लाख योनियों के बाद यह नर्तन मिलता है, जिसको पाकर मनुष्य से आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है, लेकिन फिर भी भगवान से किया हुआ वो वादा भूल जाता है और बार बार फिर इस चौरासी में फंसना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भाव से पार होने का सरल मार्ग बताया है कि उस नाम को भजकर मनुष्य इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है, जिसको सदैव भगवान भोलेनाथ अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। आज वक्त तेरे हाथ में, लेकिन कल नहीं। ये संसार क्षण भंगुर है, ये एक सपना मात्र है। तो देखिए कहना है शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, देना है। इस मृत्यु लोक में जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसे वैसे फल भोगने होंगे। आइए समय के रहते हुए हमें प्रभु का चिंतन, उनका गुणगान करना आवश्यक है, तभी हम इस भव रूपी सागर से पार हो सकते हैं। कहना है उस संसार को सपना भगवान ने किसको कितनी सांसें दी हैं?
ये सब यार तो झूठे हैं, ये रिश्ते नाते झूठा ये संसार। तो हमें समय को व्यर्थ नहीं गवाना है, प्रभु का स्मरण करना अनिवार्य है। तो कहना है क्या I'm gonna go to the hospital.